अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। एक्सपो सेंटर में इस वक्त पार्क वाटर एनर्जी की एक्सपो चल रही है, और पार्क वाटर एनर्जी की एक्सपो पे हमें जिस स्टॉल पे मौजूद है हाइड्रोप्लास्ट है। हाइड्रोप्लास्ट में जो हम जिनसे बात करेंगे फवाद सोल्जा साहब हैं, कंपनी के सीईओ हैं, और हम इनसे जानते हैं कि ये एक्सपो में आए हैं और क्या प्रोडक्ट लेकर आए हैं। प्लीज़ बताइएगा फवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हाइड्रोप्लास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में, और हम लोग इसमें पाइपिंग सिस्टम पूरे बनाते हैं जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए हैं, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। और इसीलिए हम इस एग्जीबिशन में भी आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ही पानी का है। आप हर जगह देखते हैं कॉलरा है, इतनी बीमारियाँ हैं, जस्ट बिकॉज के प्रॉपर फिल्ट्रेशन का अभी तक मेथड इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। तो वी बिलीव के जहाँ भी ज़रूरत होगी आपकी वाटर फिल्ट्रेशन की, सीवरेज वाटर की, STPs होते हैं, ROs होते हैं, तो वी आर ऑलवेज देयर। और हमने अब ये है कि वे टाइम पहले ये सब सिस्टम्स बाहर से आते थे, अब हम इसको ग्रेजुअली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें पाकिस्तान में बनाई जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला बचे और लोगों को प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों राइट एट देयर डोरस्टेप एट बेटर प्राइसेस। क्योंकि आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें ड्यूटीज़ पे होती हैं और डॉलर्स बाहर जाते हैं, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट महंगी हो जाती है, जिससे प्रोजेक्ट का बजट भी ऊपर जाता है। तो व्हाई नॉट यूज़ पाकिस्तानी ब्रांड्स, प्रमोट पाकिस्तानी ब्रांड्स एंड एनकरेज देम। थैंक यू। अच्छा फवाद साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो आपने बात की कि हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आना चाहिए, तो क्या ये सोच अभी जो इम्पोर्ट पे पाबंदी लगी है इसकी वजह से इंडस्ट्री की ये सोच में तब्दीली आई है, या आप क्या समझते हैं कि पहले से इस पर वर्क चल रहा था? नहीं, लाजम इस पर पहले से वर्क चल रहा था। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया था, और ग्लोबली कोविड के बाद से ही ये चीज़ आना शुरू हो गई थी, वेयर पीपल रियलाइज के भाई हमें लॉन्गर लीड टाइम्स कहीं भी दुनिया से आ रहा था, फ्रेट्स इतने बढ़ गए थे, लीड टाइम इतने लॉन्गर हो रहे थे, जस्ट बिकॉज के उनको पीछे से रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे। तो ये चीज़ तो पहले ही समझ लें राइट आफ्टर कोविड ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी, और अब ये है कि यस वो एक चीज़ फर्दर पेस पकड़ जाएगी, ये है। अच्छा फवाद साहब, तो अभी आपका जो कस्टमर है वो क्या प्रॉब्लम में है, या आप उनको जो है वो इजीली तमाम उनके ऑर्डर जो है वो दे रहे हैं उनको? नहीं, बिकॉज अब हमारे पास मेजर रेंज जो है ज़ाहिर बात है मेड इन पाकिस्तान है, तो ऑफकोर्स कस्टमर हैज़ एन एज वर्किंग विद अस, क्योंकि उन्हें एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की टॉप नॉच प्रोडक्ट एट दैट डोर स्टेप और रेडी अवेलेबल मिलती है, रादर देन के उनको 3 महीने 4 महीने वेट करना पड़े। तो वाई नॉट, दे आर हैप्पी विद अस। हम लोग इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, मकसद जनरली व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रोथ देयर इज़ अ परसेंटेज, व्हेन वी से एक्सपोनेंशियल मींस कि एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, अपने कस्टमर को आप कोई अपने प्रोडक्ट के हवाले से, कंपनी के हवाले से बताना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? देखिए, जहाँ तक हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में है तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। हमारी पॉलिसी इज़ ऑलवेज गो ग्रीन, तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी वांट टू टेल यू, वी वांट टू एक्सप्लेन यू, एवरीथिंग इज़ ऑन द इंटरनेट। तो आप वेबसाइट पे जाइए www.hydroplast.pk, और यू कैन फाइंड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज़ फॉर अ कंसल्टेंट, दैट इज़ फॉर अ इंजीनियर, दैट इज़ फॉर अ परचेजर, उसके हवाले से उसको जो भी अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन चाहिए दैट्स अवेलेबल। एंड स्टिल इफ एनीथिंग यू फाइंड इज़ नॉट देयर, राइट टू अस, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये फवाद साहब थे हाइड्रोप्लास्ट के, और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, इनसे जो डिस्कशन रही आपने सुनी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इंजन पोस्ट का सब्सक्राइब करें। थैंक यू।